अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत मिली नगमा, और इससे पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जो मेहमान शख्सियत आज हमारे गेस्ट टाइम में इनवाइटेड हैं वो यहाँ तशरीफ ला चुकी हैं, इनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। जैसा कि सिटी इवेंट्स में भी मैंने जिक्र किया था कि हमारे आज के पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई साहब, जो किताबुल इलाज के मुसनिफ हैं, और इस किताब की तकरीब रूनुमाई इसी कॉन्फ्रेंस में आज हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई इस वक्त हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नसीरुद्दीन नसीर 1917 में हुंजा में पैदा हुए। आपने अब तक कुरान करीम की रूहानी पहलुओं पर तकरीबन 100 किताबें लिखी हैं। इनका अंग्रेजी, गुजराती, फ्रेंच, स्वीडिश, फारसी और दीगर जुबानों में तर्जमा हो चुका है। आप नस्ल के साथ साथ शायरी में भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और आपको ये एजाज भी हासिल है कि आपने अपनी मादरी जुबान ब्रोशस्की के अल्फाबेट्स तय किए और इस जुबान में शायरी का एक दीवान भी तहरीर किया। ये जुबान शुमाली इलाकों में हुंजा नगर, यासीन और गिलगित में बोली जाती है। डॉक्टर नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई ने उर्दू, फारसी और तुर्की जुबान में भी शायरी तख्लीक की है। किताबें तसनीफ करने के अलावा आप बेशुमार अदबी, तहकीकी और समाजी तंजीमों की बुनियाद रखी है, जिसमें से एक तंजीम दानिशगाह खाना हिकमत पाकिस्तान और बेरेन मुल्क में इस्लामी तालीमात को आम करने का फरीजा सर अंजाम दे रही है। आपकी खिदमात के पेश नज़र शुमाली इलाके की हुकूमत ने आपको हकीमुल कलम का खिताब अता किया है, जबकि समाजी और अदबी तंजीमों ने आपको लसानुल कौम का टाइटल दिया है। आपकी तहकीकी काविशों के पेश नज़र कैनेडा की सीनियर यूनिवर्सिटी ने आपको 1995 में एजाजी तौर पर पीएचडी की डिग्री अता की है। और आज की हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत है मोहतरमा शहनाज सलीम साहबा, इनका भी तारुफ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमए एजुकेशन के बाद कराची यूनिवर्सिटी से अरबी और फारसी जुबानों में एमए की डिग्री ली। इन दोनों आप सीनियर यूनिवर्सिटी कैनेडा से रूहानी साइंस में पीएचडी कर रही हैं, और इस सिलसिले में आप प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन नसीर हुंजाई से रहनुमाई भी हासिल कर रही हैं। जी, ये तारुफ था हमारे मेहमान शख्सियात का। अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने किताबुल इलाज लिखी है, इस किताब के लिखने का क्या मकसद था? क्या इस किताब को एक दीनी और रूहानी किताब भी समझा जाए, या कुरान पाक की रोशनी में तिब्बी तहकीक या फलसफे की कोई किताब? कुरान पाक की रोशनी में एक तिब्बी तहकीक है, हम इसी को अहमियत देते हैं। और इस किताब के लिखने की वजह ये हुई कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ के लोग रिवायती तौर पर रूहानी इलाज के लिए परेशान होते हैं, और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मुअस्सर रूहानी इलाज का निज़ाम नहीं था। और चूंकि उलूम दर्जावार होते हैं, कुछ उलूम बहुत ही अदना होते हैं और कुछ उलूम बहुत ही आला होते हैं, और दानिशमंदों को चाहिए कि अदना उलूम में अपने वक्त को, ज़िंदगी को सर्फ ना करें, आला उलूम की तरफ जाएं। चुनांचि रूहानी इलाज के सिलसिले में मेरे जहन में ये बात आई कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं जो कुरान हदीस की रोशनी में हो और वो बहुत ही मुस्तनद और मुफीद हो। तो इसी ख्याल पर मैंने इस किताब को लिखा और ये किताब कामयाब हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये किताब पाकिस्तान के बहुत दूर दराज इलाके हुंजा में बैठकर लिखी, तो हुंजा में क्या वहाँ वो तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि रिसर्च वर्क के लिए चाहिए होती हैं, या आपने इसके लिए कोई और तरीका इख्तियार किया? नहीं जनाब, मैंने ये किताब कराची में लिखी है, और हुंजा में सिर्फ यह है कि अगर कोई रियाजत करना चाहे तो कोहिस्तानी इलाका है, वहशतनाक जंगलों में, गारों में और पहाड़ों में इबादत और रियाजत खूब होती है, लेकिन रिसर्च के काम के लिए कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, ठीक। मैंने ये किताब कराची में वहाँ लिखी है आपने। जी ठीक। मोहतरमा शहनाज सलीम साहिबा, आपने रूहानी साइंस में पीएचडी करने का फैसला कैसे किया, पहले तो आप ये बताएं, और फिर इस मौजू पे आपकी तहकीक का तरीकाकार क्या था, ये तहकीक के लिए मटेरियल जो है वो आपको कहाँ से हासिल हुआ? शुक्रिया शहला। सबसे पहले तो रूहानी साइंस में पीएचडी करने का फैसला जो था उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड था। एक तो बचपन ही से मुझे बहुत शौक था
कि कायनात का और इंसान की हस्ती का जो रूहानी पस मंजर है उसको समझने की एक कोशिश की जाए, और ये कोशिश ऐसे साइंटिफिक बेसिस पर हो जो दुनिया के उलूम की मिसालों को भी अपने अंदर समो कर चलती हो। जैसे कि अभी अभी प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि आला उलूम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, तो रूहानी साइंस के लिए जो साइंटिफिक बेसिस पर कुछ खतूत मुहैया किए गए हैं इससे पहले के बुजुर्गान और अब खुसूसन प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा नसीर हुसैन साहिब की किताबों में, तो ये किताबें मेरी तहकीक का बराह रास्त मवाद साबित होंगी, और इसके अलावा इसके बाद जो भी इस पर आगे रिसर्च करेंगे उन किताबों से भी मैं इस्तेफादा करूंगी। और रूहानी साइंस के सिलसिले में एक और बात मैं जरूरी अर्ज करती चलूं कि ओवर द टाइम ये हुआ कि उलूम जो है वो ब्रांचेस में बटते चले गए और इतनी शाख दर शाख हुए कि इन उलूम का असल सरचश्मा कुछ है या इसका मंबा और मर्जा भी कुछ है, उसकी तरफ से लोगों की तवज्जो बिल्कुल हट गई है। तो ये उलूम के इंटीग्रेशन की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाती है और ये कि स्पिरिचुअल साइंस ही दुनिया की तमाम दूसरी साइंसेज का सरचश्मा भी है। ठीक, काफी जामे हैं। और आप हमें ये बताएं कि इस किताब में आपका एक मजमून है कुरानी तिब और आवाज के नाम से, काफी इंटरेस्टिंग मजमून है, क्या आप हमारे नाज़रीन और सामीन को ये बताएंगी कि कुरानी तिब और आवाज का क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल में ये मेरे सवाल में है। हाँ जी, डॉक्टर साहब आपसे है। कुरान और आवाज से इलाज का सबब ये है कि यहाँ आवाज से मुराद एक तो कुरान की आवाज है जबकि तिलावत से की जाती है, क्योंकि कुरान खुद ही फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम सब खामोश रहो और सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इससे ये जाहिर है कि कुरान की तिलावत और क़िराअत में ज़बरदस्त तिब्बी तासीर है और आवाज़ का दूसरा हिस्सा दिल में है। जब कोई सूफी या जाकिर या मोमिन अच्छा मुसलमान दिल ही दिल में जिक्र करता है तो उसकी एक आवाज होती है, वो आवाज दिल में से सारे हवास और फिर तमाम बदन और तमाम सेल्स में ये आवाज जाती है। और जब जिक्र इलाही की आवाज जिक्र कल्बी की वजह से तमाम बदन में और सेल्स में जाती है तो उन तमाम सेल्स को एक शिफा मिल जाती है बीमारियों से और उनमें एक ताकत पैदा हो जाती है। लिहाजा और इसके अलावा कोई भी आवाज़ मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकती है मगर सूर्य इसराफील की आवाज़ है जो मुर्दों को कब्रों से उठाती है, ये भी आवाज में जबरदस्त तासीर होने की एक बहुत बड़ी और रोशन दलील है। चुनांची कुरान की तिलावत की जो आवाज़ है या जिक्र इलाही की जो आवाज़ है वो बहुत काम करती है। डॉक्टर साहब, इस किताब में एक और मौजू है गुस्से का इलाज, क्या आप हमें ये बताएंगे कि इस इंसानी कमजोरी पे किस तरह से कंट्रोल पाया जा सकता है? बहुत खूब सवाल है और बहुत से अपने बसीरत से इस किताब को अगर कम वक्त में देखा तो भी बसीरत से देखा है और आपकी नज़र एक ऐसे मजमून पर ठहरी है। ये है कि जिस तरह इलाज दो किस्म का होता है जाहिर में, एक इलाज है इलाज बिज़िद और एक इलाज है इलाज बिलमसल, और वसी का इलाज जिद से होना चाहिए कि जब गुस्सा आता है तो एक होशमंद इंसान इस गुस्से की जिद को इस्तेमाल करे, यानी उसको गुस्से को पी ले और गुस्से को रोके। 40 मरतबा ऐसा करेगा तो उसको कुछ मज़ा आने लगेगा और इसी तरह वो आदत बना ले गुस्से को पीने की तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गुस्से को ख़त्म कर सकेगा।
और उसे को तीन एक तल्ख तासीर है और तल्ख तासीर है तो बहुत अच्छी है, जिस तरह कोई दवा होती है जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं या कोई भी तल्ख दवा होती है, तबीब डॉक्टर तल्ख दवा इसलिए बनाता है कि वो जरासीम खुश होती है, तो इस गुस्से के मरज के जरासीम को मारने के लिए खामोशी इख्तियार करना चाहिए। और अजीब बात तो यह है कि कुरान करीम की जिन आयात में तिब इलाही है, तिब समावी है, उनमें ये तवजीह भी है कि ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई, जबकि बस अवकात दुनिया के डॉक्टर से दवा तो देते हैं, तशखीस भी करते हैं, लेकिन मरज की इल्लत को नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुरान में मरज की इल्लत भी बयान की गई है, जैसे आयत करीमा है वलकाज़मीन अलगाइज़ वलआफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। तो इसमें काज़मीन अलगाइज़ का मतलब है कि जो लोग उसे को रोकते हैं या जो लोग उसे को पीते हैं, अगर हम इसको पीने का तर्जुमा करें तो फिर ये दवा के तौर पर होगा, गुस्सा जो है अपनी आप का इलाज होगा, जबकि उसको पी लिया जाए तो ये हुआ इलाज विद्दीत। ठीक डॉक्टर साहब, कुरान करीम की एक और आयत है तिब्यानन लिकुल शय, और इसका तर्जुमा है इसमें हर चीज का बयान है। आप हमें ये बताइए कि इसका रूहानी साइंस के साथ क्या ताल्लुक है या किस तरह से जिक्र है? जनाब, इसका बराह रास्त ताल्लुक है कि रूहानी साइंस भी अशिया में से एक शाई है, मादी साइंस भी अशिया में से एक शाई है, लिहाजा कुरान की एक बहुत बड़ी सिफत इसमें बयान की गई है कि तिबियान लिकुल शाई, कुरान में हर चीज का बयान है, तो फिर मादी साइंस का बयान भी है और रूहानी साइंस का बयान भी है, क्योंकि जिन चीज़ों की जरूरत इंसानों को है या जिन चीज़ों से लोगों का सबक पड़ता है उन्हीं चीज़ों का जिक्र है, तो तमाम चीज़ों का जब कुरान में बयान है तो लाजमी तौर पर मादी साइंस का भी इशारा है और रूहानी साइंस का भी बयान इसमें है। अच्छा मोहतरमा शहनाज़ साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कहा यह जाता है कि रूहानी साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसका ताल्लुक जाने से ज्यादा अमल करने से है, तो इस मौजू के जो अमली पहलू हैं इन पर भी आप तवज्जो दे रही हैं? शहनाज़, इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि रूहानी साइंस का ताल्लुक जानने से भी इतना ही है जितना कि अमल करने से है, क्योंकि मादी साइंस की अगर आप मिसाल ले लें तो दुनिया के किसी भी साइंस में प्रैक्टिकल करने से पहले आपके पास कोई साउंड थियोरेटिकल बेस होना चाहिए, और जिस तजर्बे के लिए कोई साउंड थियोरेटिकल बेस नहीं है उसके प्रैक्टिकल के मतलूबा नतीजे हासिल नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ भी चूंकि रूहानी साइंस को हम साइंटिफिक बुनियादों पर देख रहे हैं, लिहाजा इसके लिए एक थियोरी एक ऐसा साउंड बेस फ्राहम करती है जिसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो देना आसान हो जाता है और मतलूबा नतीज भी हासिल हो सकते हैं। और अगर अमल से आपकी मुराद जिक्र इबादत रियाजत नेकी है तो उसके लिए भी कुछ रहनुमा खतूत जो हैं वो इल्म ही से मिलते हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक जानने से भी इतना ही ज्यादा है जितना कि अमली दौर से। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लाम का रूहानियत से जो रिश्ता है इसके हवाले से कुछ हमें बताएं। बेशक इस्लाम का रूहानियत से खास ताल्लुक और गहरा ताल्लुक इस तरह से है कि कुरान करीम के नामों में से एक नाम रूह है, ये इसलिए कि हुजूरी अकरम पर जो कुरान नाजिल हुआ था वो जाहिर में नाजिल नहीं हुआ था, कुरान के हवाले से कल्बी मुबारक पर नाजिल हुआ था और कल्बी मुबारक में मादियत के लिए जगह नहीं है, वहाँ रूहानी कैफियात है, रूहानी अहवाल है, लिहाजा कुरान करीम रूह और रूहानियत की सूरत में नाजिल हुआ था, तो ये बुनियादी ताल्लुक है इस्लाम का रूह और रूहानियत से, जबकि कुरान का एक खास नाम रूह है।
डॉक्टर साहब, साइंस हम एक ऐसे इल्म को कहते हैं जिसका न सिर्फ मुशाहिदा किया जा सकता हो बल्कि इसे दूसरे शख्स तक मुंतकिल भी किया जा सकता हो। तो क्या रूहानी साइंस के जरिए आप रूहानी तजुर्बात को किसी दूसरे शख्स तक मुंतकिल कर सकते हैं? बेशक, तसव्वुफ इस्लाम के मशहूर इल्म है। मैं उसके हवाले से अर्ज करूँ कि पहले इल्म यकीन है, उसके बाद आइनुल यकीन है, उसके बाद हक़ुल यकीन है। तो जिनको रूहानी साइंस से मुंतकिल करना हो तो उनको सबसे पहले हम इल्मुल यकीन पढ़ाएंगे, और इल्मुल यकीन पर अगर किताबें हैं तो वो किताबें पढ़ाएंगे, या कुरान को इल्मुल यकीन के तौर पर पढ़ाएंगे। उसकी बात रियाजत और शफ़ात और खुसूसी इबादत से आनी यकीन की तलकीन करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ये है कि खुदावंद आलम ने नुज़ूली कुरान के ज़माने में इरशाद फरमाया था, ये इरशाद पेशगोई भी है और ये इरशाद वादा इलाही भी है। और वो ये है, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق। خداوند عالم نے پیشگوئی فرمائی اور وعدہ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی اپنی آیات اپنے معجزات دکھائیں گے، یہاں تک دکھائیں گے کہ ان کو یقین آئے گا کہ خدا برحق ہے۔ جی इसमें यानी खुदा का दिखाना या किसी आदमी का दिखाना आसमान जमीन से भी ज्यादा फर्क है। खुदा जब किसी को दिखाएगा तो चश्मी बसीरत से दिखाएगा, या ये कि जिस तरह यानी हदीस नवाफिल में है कि खुदा अपने दोस्तों की आंख हो जाता है, कान हो जाता है, जबान हो जाता है, हाथ हो जाता है और पांव भी हो जाता है। तो ऐसे में किसी को रूहानी साइंस ज़रूर आएगी जब खुदा दिखाएगा, तो चश्मे बसीरत दे क्या दिखाएगा। तो इससे यानी साइंस की दो ब्रांच का सबूत लिया, जो आफाक में हैं, जिन आयात को क़दर मुतलक़ की जिन निशानियों को खुदा अपने निशानियों को आफाक में दिखाएगा, उसमें से साइंस होगी, और जिन आयात को जिन निशानियों को अनफुस में दिखाएगा उससे रूहानी साइंस होगी। मेरे यकीन के मुताबिक इस आयत में दोनों साइंस, दोनों किस्म की साइंस का जिक्र फरमाया गया है। जी डॉक्टर साहब, आपकी तंजीम जो आज इस्लामाबाद में रूहानी साइंस के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि रूहानी साइंस हमारी तहकीक के मुताबिक तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए एक मुफीद साइंस है। अगर इसकी तरफ लोग रुजू करेंगे तो इससे न सिर्फ अमन अमान कायम हो जाएगा और बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। और फिर चूंकि दौर दो किस्म का होता है, एक मादी दौर होता है, एक रूहानी दौर होता है, तो उस रूहानी दौर के लिए लोग तैयार हो जाएंगे और इसमें बहुत से फायदे हैं और बहुत सी बीमारियों से निजात और छुटकारा मिलने की उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि आपने अपनी मादरी जुबान ब्रोशिफ्टी में जो है अल्फाबेट्स इसके तैयार किए हैं, तो क्या आपको लसानियात के मौजू से भी दिलचस्पी है, और ये कि क्या इन अल्फाबेट्स को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया गया है? जी हाँ, यानी नॉर्दर्न एरियाज में हमने उर्दू हरूफ में कुछ 8 आवाज़ों का इजाफा करके ये स्क्रिप्ट बनाया, और फिर रोमन ब्रिशेस की स्क्रिप्ट भी हैं जो मगरब के स्कॉलर्स के लिए बहुत मुफीद हैं। और जो उर्दू से हमने यानी स्क्रिप्ट बनाई है
इसमें सब यानी नॉर्दर्न एरिया के लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने तकरीबन 100 किताबें लिखी हैं, आप शायर भी हैं, मुख्तलिफ तंजीमें भी आपने बनाई हैं, तो ये सब कुछ आपने कैसे कर लिया और इस सब के लिए आप कैसे वक्त निकाल लेते हैं? इंसान के पास जो वक्त है अगर उसको सही तरह से और अक्लदानी से इस्तेमाल करें तो इस महदूद वक्त में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ठीक, मोहतरमा शहनाज सलीम साहिबा, इस मौजू पर जिसमें आप PhD कर रही हैं, इसके बाद आपका क्या इरादा है और मुस्तकबिल में आप इस डिग्री को किस जगह पे यूटिलाइज करेंगी? शुक्रिया शहला। जाहिर है कि किसी भी डिग्री हासिल करने के बाद अमली तौर पर उस तालीम का फायदा बनी नौ इंसान तक पहुंचाना मकसूद होता है, और जैसे अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि इस साइंस में लोगों के लिए शिफा भी है, इससे दुनिया की अमन और सलामती की एक जमानत भी मिलती है और इसके अंदर बहुत सारी रूहानी जहनी नफसियाती बीमारियों का इलाज भी है। तो माजी में भी एक मास्टर ट्रेनर की हैसियत से, एजुकेशनिस्ट की हैसियत से मैंने पाकिस्तान और बैरून मुल्क बहुत से मकाम पर रेडियोज के जरिए भी और पब्लिक स्पीकिंग के जरिए भी इज्तिमात में इन मौजूआत की तशरीह और तौज़ीह की है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि इस वक्त साइंस की तरक्की की इंतहा होने के बावजूद जो बेचैनी, जो नफसियाती और जहनी बीमारियां आम हो रही हैं, तो मुस्तकबिल में अपने रूहानी साइंस की डिग्री की मदद से उसके जरिए से इंसानों की खिदमत की जा सके। बहुत डॉक्टर साहब, एक आम ख्याल ये है कि साइंस सिर्फ मादी चीजों से बहस करती है, रोग की स्टडी जो है वो नहीं कर सकती, लेकिन आपने रूहानी इल्म को साइंस से मिलाकर रूहानी साइंस, स्पिरिचुअल साइंस बना दिए, इसके कुछ डिटेल्स हमें बताएं। जी हाँ, बहुत खूब सवाल है और जरूरी भी है। ये है कि कोई भी नई चीज ईजाद होती है तो उसको जमाने की जबान से तर्जुमा किया जाता है और स्पिरिचुअल विजडम और रिकॉग्निशन यानी मारिफत असल में हिकमत है। ये हमारे नज़दीक जो रूहानी साइंस वो हिकमत है और मारिफत है, तो इनको हमने मुआशर तरीन इस्तिलाह में तर्जुमा करने की गरज से इसको स्पिरिचुअल साइंस का नाम दिया, क्योंकि दुनिया में आज मुआशर तरीन इस्तिलाह और हैरानकुन चीज साइंस है। लिहाजा यानी इस रूहानियत और विजडम और मारिफत का ये हक था कि बेहतरीन लफ्ज में इसका तर्जुमा किया जाए या तमसील दी जाए। अरे डॉक्टर साहब, इस वक्त आप उम्र के एक इंतहाई मेच्योर हिस्से में हैं और इस हिस्से में कि जब इंसान अपनी माजी की अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है, तो क्या आपने जो जिंदगी का मकसद सोचा था वो पूरा हो गया है या आपकी शख्सियत में अभी भी तश्नगी बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचि इंसान बहुत सी चीज़ों को चाहता है, इस तरह मेरे अंदर भी कुछ ख्वाहिशात हैं। एक ख्वाहिश तो ये है कि काश मैं बहुत पहले से इस काम में लग जाता, फलान फलान वक्त क्यों ज़ाया हुआ, और दूसरी ख्वाहिश ये कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से क्यों मैंने तालीम हासिल नहीं की। ये ऐसी ख्वाहिशात हैं, वरना मैं समझता हूँ कि मुझे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह की रहमत है, मैं एक मामूली इंसान होने के नाते और एक देहात से होने के बावजूद मैं कामयाब हूँ और अपने आप को कामयाब समझकर खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सूफी दानिश्वर ने कहा है कि 21वीं सदी जो है वो रूहानियत की सदी होगी, आपका इसके बारे में क्या कमेंट्स है? बिल्कुल, उस दानिश्वर ने सही कहा है, हमारे नज़दीक भी यही बात है। आपको एक किताब मिलेगी लॉर्ड फुरसत, उसको पढ़ना, मीज़ानुल हक़ाइक। हमने उस मीज़ानुल हक़ाइक में ये लिखा है कि ये रूहानी दौर का आगाज हो रहा है और उस रूहानी दौर में अजीब वरीब चीज़ों का इंकशाफ होगा और उन इंकशाफात में से एक इंकशाफ ये भी होगा कि अगर दुनिया में कोई कहत पड़े या समंदर खुश्क हो जाए और नबातात ख़त्म हो जाए, छोटे मोटे जानवर भी ख़त्म हो जाए, तो रूहानियत में इसका इलाज ये है कि हवा में एक रज़ा है, इसको रज़ाई लतीफ़ कहते हैं,
उस गज़ाए लतीफ में खुशबू है और उसका तर्जुमा अंबिया अलैहिम सलाम ने किया अपने अपने वक्तों में, और कोई दरवेश कोई तालिक कोई आरिफ भी इसका तजुर्बा कर सकता है। तो अगर दुनिया में कोई ऐसा कहत आए कि समंदर बिल्कुल खुश हो जाए जिसका इशारा कुरान में मौजूद है, और फिर बहुत ही सारी चीज़ें नबातात ख़त्म हो जाएँ, छोटे मोटे जानवर मर जाएँ, और अब इंसान पर भी मौत की नौबत आई, तो उसमें खुदा चाहे तो हवा में से इस खुशबू वाली गैस को जिसमें एनर्जी है वो मुसलमानों और मोमिनों को मुहैया कर सकता है। एक ऐसी चीज़ रूहानी साइंस बताती है, इसका जिक्र मैंने मीज़ानुल हक़ायक़ की किताब में की है। और ज़िम्मन मैं ये भी कहूँगा कि मैंने रूह पर एक किताब लिखी है, और रूह पर किताब लिखना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप रूहानी सिलसिले की जानिब कैसे आए कि आप पैदाइशी तौर पर ही इस रवायत के हामी थे या कोई हादसा आपको इस तरफ ले आया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं पैदाइशी तौर पर रिवायती तौर पर रूहानियत का दिलदादा था जी, और दरमियान में कुछ वाकयात हादसात आए तो इन हादसात ने मेरे इस ज़ौक में मदद दी और मेरी रूहानियत में इजाफा हुआ, और मैं और ज़्यादा इस रूहानियत की तरफ रागिब होने लगा, और इससे मुझे बहुत मदद मिली। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इंसान ज़हनी सुकून के लिए बड़ा परेशान रहता है, तो कोई ऐसा नुस्खा आप बता सकते हैं कि जिससे ये ज़हनी सुकून हासिल हो सके? जी हाँ, कि कुरानी करीम एक ऐसी समावी किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसमें एक आयत शरीफा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगा रहो कि दिलों का इत्मीनान और तसल्ली ज़िक्र इलाही से है। अला जिस आयत के शुरू में अला हर्फ़ ताकीद है, जब यह हर्फ़ ताकीद आता है तो उस आयत की तरफ बहुत ही तवज्जो देने और उसको समझने की ज़रूरत होती है। अला बिज़िक्र इल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगा रहो कि अल्लाह की याद ही में, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों के लिए तस्कीन है, तसली है। तो मैंने अगर किताबुल इलाज में कुछ लिया है तो इसी नुस्खे को लिया है। ये आपकी किताबुल इलाज की मैं टाइटल भी दिखाना चाहूँगी अपने नाज़रीन को। ये किताब है जो उन्होंने लिखी है, आज इसकी तकरीब रूनुमाई भी हो रही है, किताबुल इलाज। बड़े खूबसूरत कैलीग्राफी इसके टाइटल पे है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आजकल माशरे में ख़ास तौर पर नौजवानों में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, वो बेमकसदियत और ज़हनी इंतशार और मायूसी का शिकार हैं, तो आप उन्हें कोई हदायत देना पसंद करेंगे कि वो इस ज़हनी इंतशार से, इस फ्रस्ट्रेशन से, इस मायूसी से छुटकारा हासिल कर सकें? हाँ बेशक, वही बात कि खुदावंद आलम ने रहमतुलिल आलमीन पर एक ऐसी बेमिसाल बेनज़ीर माजदाती किताब नाज़िल फरमाई कि जिसमें मुसलमानों के लिए सब कुछ है, तमाम रूहानी अमराज का इलाज भी है और दुनियावी बेहतरी भी है, दोनों जहाँ की सुरखरूई भी है। तो क़ुरान से, इस्लाम से रुजू कम होने, इबादत और बंदगी में कमज़ोरी होने की बिना पर ये मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा कसरत से खुदा को याद किया जाए, ज़िक्र इलाही की एक शर्त है और वो है कसरत से ज़िक्र करना, यानी कसरत से खुदा को याद करना, ये इसकी शर्त है कि जो भी शख्स कसरत से खुदा को याद करेगा, कसरत से खुदा को याद करेगा, कसरत से खुदा को याद करेगा तो खुदा की याद काम करने लगेगी, ज़िक्र इलाही काम करने लगेगा। तो ये है कसरत से खुदा को याद करना, और कसरत से खुदा को याद करना, कुरानी हिकमत की तरफ रुजू करना,
پرانی حکمت میں بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے سب کچھ ہے تو اسی کے لیے ایک اپنی سی ایک کوشش ہے اور اسی وجہ سے ہم روحانیت پر زور دیتے ہیں اور روحانی سائنس کے عنوان سے قرآنی وزڈم کو آگے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور معرفت کو آگے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور شہناز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی اچھی آپ سے معلومات ملی اور آپ کی یہ جو کاوش ہیں یقیناً یہ قابل ستائش ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کا جو سلسلہ ہے آپ کو توفیق دے کہ یہ جاری رہے تھینک یو ویری مچ آپ کی تشریف آوری کا احسان مندی سے ہمارا سر جھکتا ہے اس ادارے کے لیے آپ تمام حضرات کے لیے ہم ایسے دور افتادہ علاقے کے شخص کو آپ نے اتنی اہمیت دی اور اتنا حوصلہ دیا انشاءاللہ آپ کے اس حوصلے کو میں قوم کے لیے استعمال کروں گا جی ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے تھینک یو ویری مچ شکریہ بہت مہربان جی ناظرین بے شک اسلام ایک مکمل دین ہے اور قرآن میں اسلامی نظام حیات کا پورا احاطہ کیا گیا ہے اور یہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات ہی ہے جو پورا نظام ہستی چلا رہی ہے اور وہی ہے وہی خدا ہے